Hello students, welcome back to our online class. Today again we are here to learn the last lesson of your syllabus called transformation of sentences. I mean, in Hindi we can say that parivartan, transformation matlab parivartan, change. Ek sentence mein change kis tarah se hota hai या एक सेंटेंस की डेवलपमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं वो आज हम इस लास्ट सेंटेंस यानी कि इस लास्ट जो लेसन में हम डिस्कशन करेंगे. ओके, सो टू नो दैट प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 153. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का रूपांतरण जो हिंदी में उसको कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन सो मेनी एग्जांपल how you can transfer any sentence you would like to. Okay, so first things you have to see that simple to compound. जब एक साधारण वाक्य से जब compound sentence में आप एक रूपांतरण या एक परिवर्तन देखना चाहते हो तो किस तरह से आपको करना चाहिए, यहाँ पे लिखा है. So first of all, पहला example हम देखेंगे. He must work hard to win the scholarship. उसे मेहनत करना चाहिए क्या जीतने के लिए, स्कॉलरशिप को जीतने के लिए. ठीक है, तो आप इसकी ये सेंटेंस अगर आप देखो तो ये सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, जैसे मैं हेडिंग लिखा है सिंपल टू कंपाउंड कैसे बदला जा सकता है, तो ये सरल वाक्य है. आप इसको अगर हम कंपाउंड सेंटेंस में बनाना चाहते हैं या कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो क्या एड करने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे. ही मस्ट वर्क हार्ड एंड विन द स्कॉलरशिप. तो पहला चीज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा केवल हमें परिवर्तन के लिए जो है एंड का यूज किया है. तो वेरी इजी है कि आप कोई भी सिंपल सेंटेंस हो या कोई कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, उसे आप एक परिवर्तन देखना चाहते हो कि जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस बनाते वक्त, तो ये चीजों को याद करना जरूरी होता है कि एंड कहां पे मुझे यूज करना है, बट कहां पे यूज करना है. तो एक तरह से ना केवल वो चेंज ही होता है लेकिन उसका एक्सपांडेड हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है सेंटेंस. ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये था. और जब हम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करते हैं, पहला वाला हमने देखा कि सिंपल टू कंपाउंड करते वक्त जो है किस तरीके से परिवर्तन हमने किया, एंड यूज करके हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया. ठीक है, तो वैसे ही जब एक साधारण वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना चाहेंगे या परिवर्तन करना चाहेंगे या आप ऐसा सोचते हो कि सेंटेंस की थोड़ा सा बड़े हो जाए तो कैसे होगा. आई सो अ ब्यूटिफुल गर्ल. देखो ये सिंपल सेंटेंस है, क्यों है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है. तो आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल सिंपल सेंटेंस है. आप इसको मैं जो है परिवर्तन कैसे कर रहा हूं, आई सॉ अ गर्ल हु वाज ब्यूटीफुल. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने उसको चेंज कर दिया है. तो ये एक तरीका है कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को कर सकते हैं. ठीक है, तो एक सेंटेंस हो सिंपल हो या कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, जब हम कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड भी बनाना चाहते हैं तो वो ये है कि ग्रामाटिकल हम कितना स्ट्रांग है ये मायने रखता है उसमें. ठीक है, अगर ग्रामाटिकली आप बिल्कुल स्ट्रांग है तो इजीली जो है आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, परिवर्तन ला सकते हो. तो और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 154. ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा, आई सो अ ब्यूटीफुल गर्ल, I saw a girl who was beautiful, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा है. अब हम देखेंगे कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं. ठीक है, पहला आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम दो तरीके से चेंज ला सकते हैं. फाइन, द बॉय हु इज वेरी टैलेंटेड इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग. ठीक है, वो लड़का जो देखने में या टैलेंटेड तो है लेकिन उसके साथ साथ मेहनती भी है. जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है तो एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है. तो आप उसके एग्जामाइन कर सकते हो कि कंपाउंड इंडिपेंडेंट कौन सा है या डिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है. ठीक है, हु इज टैलेंटेड, ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट हो सकता है. ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब हम सिंपल सेंटेंस में लाते हो तो कैसा होगा उसका, द बॉय इज टैलेंटेड एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. ठीक है, तो एंड यहां पे यूज करते हुए मैंने क्या बना दिया उसको, बहुत ही साधारण वाक्य बना दिया. तो वैसे ही जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में भी चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसमें और क्या ऐड होना चाहिए,
The boy is not only talented but also very hardworking. So लगभग maximum sentence में आप गौर कर रहे होंगे कि coordinative conjunction use करके sentence को develop भी किया जा रहा है और थोड़ा बहुत change भी किया जा रहा है, ठीक है? And हो गया, but also, not only, ये सारी चीजों जो है use करते हुए sentence में बदलाव आ सकता है. तो जब हम complex sentence को simple या compound sentence में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कहीं पे हम एंड यूज कर रहे हैं, सेंटेंस मीनिंग सेम है, मीनिंग कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, मीनिंग बिल्कुल उसका सही बन रहा है. तो उसी तरह हम देखेंगे कंपाउंड टू सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है? जब एक कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमारे पास है, अब उस दो इंडिपेंडेंट को हम एक साधारण वाक्य में कैसे चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं तो फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स यानी कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सेंटेंस कैसे बदल सकते हैं, ठीक है? तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू रीड पेज नंबर 155. सो प्लीज लुक एट दिस सेंटेंस एज आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. अ कंपाउंड सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जैसे मैंने कहा कि कंपाउंड सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन किया जा सकता है. फाइन, ही इज ओल्ड बट ही स्टिल वर्क्स हार्ड. ये कंपाउंड सेंटेंस, ही इज ओल्ड, ये बिल्कुल अपने आप उसका मीनिंग सही बन रहा है. ही इज ओल्ड, ठीक है? वो क्या है? बुड्ढा है. ओके, फिर भी क्या बता रहा है? ही स्टिल वर्क हार्ड, फिर भी वो मेहनत कर रहा है. तो दोनों क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट सेंटेंस बना. अब जब इन दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जब मैं एक ही साधारण वाक्य बनाना चाहूंगा तो कैसे बन रहा है वो? डिस्पाइट बींग ओल्ड, बुढ़ा होने के बाद भी, बावजूद भी, ही स्टिल वर्क्स हार्ड, वो फिर भी मेहनत कर रहा है. स्टूडेंट्स, तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाया गया. अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स यानी कि एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट किस तरह से बन रहा है. दो ही इज ओल्ड, जबकि वो बुढ़ा है, ही स्टिल वर्क्स हार्ड, फिर भी वो क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है. स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है सेंटेंस के परिवर्तन किया जा सकता है. उसके लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है, ठीक है, जो कि आप उसे अपना के आप सेंटेंस को परिवर्तन ला सकते हो. फॉर एग्जांपल, जैसे डायरेक्ट हो, डायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच या एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें कई फॉर्मूला होती है, कई चीजें होती है जो उस चीज से आपको सेंटेंस चेंज कर सकते हो. लेकिन जहां तक सवाल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इट मीन्स यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड यू शुड बी परफेक्ट इन ग्रामेटिकली, ओके, टू एक्सपॉन्ड द सेंटेंस और टू डेवलप द सेंटेंस और टू सी द चेंज इन एनी सेंटेंस, टू कन्वर्टिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, यू नीड टू एड सम एडिशनल वर्ड्स, दैट इज कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, ऑब्वियसली यूज फॉर चेंजिंग एनी सेंटेंस. So I hope you understood very well what I mean to say, that transformation of sentence. So please watch this video, and if you have any query and questions, so please ask me in the class. Thank you and bye. Take care.